हाय गाइस, दिस इज पुनीत त्यागी और आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि अपना फैशन सेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, ऐसी बेसिकली फैशन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में पहले करी थी, स्कूल में, कॉलेज में, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नहीं। और यार एक चीज की मैं गारंटी देता हूँ कि आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद जब आप आज की वीडियोस या आज की फोटोज देखोगे अपने, तो आपको हंसी आएगी ये सोच के कि आप किस टाइप के कपड़े पहनते थे, कैसी जीन्स, कैसी शर्ट्स पहनते थे। और वो इसलिए नहीं कि फैशन चेंज हो रहा है, बट इसलिए कि आपने बहुत सारी फैशन मिस्टेक्स करी होंगी जिसको देख के आप बाद में हंसोगे। तो वही चीज से बचाने के लिए आज इस वीडियो में मैं ऐसी फैशन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो मैंने भी करी थी और आपको नहीं करनी है किसी भी हाल में। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। बाकी ये मेरी फैशन सीरीज की 29th वीडियो है, यानी कि 29वीं वीडियो है। ऐसी ही फैशन से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो मेरी किसी भी वीडियो की। और अगर जो कोई डाउट आता है आपका, तो यहाँ पर मैं ऑब्वियसली कमेंट में इतना ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे वहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं। बाकी विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो सबसे पहली मिस्टेक मैंने करी है अपनी लाइफ में जो आपको नहीं करनी है, वो है ओकेजन के हिसाब से कपड़े ना पहनना। तो देखो, और हर जगह की, हर ओकेजन की अपनी एक ड्रेस होती है, अपने एक आउटफिट्स होते हैं। जब आप जिम जाते हो तो ऑब्वियसली आप पजामा पहनोगे, यानी लोअर पहनोगे, उसके साथ टी शर्ट पहनोगे, लोअर के ऊपर आप शर्ट नहीं पहनोगे। बट ये चीज भी बहुत लोग करते हैं। सिमिलरली जब आप फैमिली या रिलेटिव्स में कहीं पर अच्छे शादी में जा रहे हो, दोस्त किसी क्लोज फ्रेंड की शादी में जा रहे हो, तो वहां पर आपको जीन्स टी शर्ट नहीं पहननी है। वहां पर आप जो 3-piece सूट ही पहनोगे, ऑब्वियसली टक्सीडो पहनोगे, तो अच्छे कपड़े ही पहनोगे। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखो यार कि ऑड वन आउट दिखने के लिए ना, अलग दिखने के लिए ऐसे कुछ भी कपड़े नहीं पहनने हैं आपको। जो उस पर्टिकुलर ओकेजन की डिमांड है वहां पर उसी टाइप के कपड़े आपको पहनने हैं, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। ये सबसे बड़ी फैशन मिस्टेक होती है। अपना लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जब कॉलेज की मेरी फेयरवेल थी, तो वहां पर बेसिकली एक कोड था कि सबको ब्लैक कलर का टक्सीडो या सबको ब्लैक कलर का 3-piece सूट पहनना है। बट मैं अकेला डूड बनने के चक्कर में उस टाइम पर मैंने सिर्फ सिंपल व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहनी हुई थी। तो जब बाद में फोटोज आती हैं तो वो पछतावा होता है। ऐसा लगता है कि यार ये चीज मैंने गलत की है। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। जिस टाइम पर जैसा ओकेजन है उसके हिसाब से कपड़े पहने, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अब जो दूसरी मिस्टेक है वो है कलर कॉम्बिनेशंस। तो यार देखो, आपको गोविंदा नहीं बनना है, ऑरेंज टी शर्ट के नीचे येलो ट्राउजर नहीं पहननी है। आपको ऐसे कॉम्बिनेशन पहनने हैं जो कि डिसेंट हो, अच्छे हैं और आगे चल के भी वो इतने बुरे ना लगे। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि यार अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आपको कपड़े कैरी करने हैं। तो अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कौन से कपड़े आपके पास सूट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो ये वाली मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब ये कलर कॉम्बिनेशन वाली जो मिस्टेक थी, इसका लाइव एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि मेरे रियल भाई की शादी थी और उसमें मैंने ग्रीन कलर के वेलवेट का ब्लेजर पहना था और कैमल कलर की ट्राउजर पहनी थी। आप सोच रहे होगे इतना एक्सपेरिमेंटल तो मतलब रणवीर सिंह भी नहीं हुआ होगा कभी लाइफ में जितना मैं हो गया था। तो ये वाली मिस्टेक कभी मत करना, बाद में बहुत ज्यादा हंसी आएगी और खुद तो हंसोगे, साथ वाले भी तुम्हारे दोस्त यार तुम पर हंस के चले जाएंगे। तो अब जो थर्ड मिस्टेक है जो हर लड़का करता है जब उसकी जवानी फूट रही होती है, 15 से 25 साल की उम्र जब उसकी हो रही होती है, तो ये वाली मिस्टेक वो हमेशा करता है। और वो मिस्टेक ये है कि यार दुनिया भर के जितने आभूषण है, यानी कि जितने भी चीजें हैं, वो सारी पहन लेता है। जो फैशन एसेसरी उसको दिखती है वो पहनने लग जाता है। अब वो कैप पहन लेगा, कैप के साथ में लॉकेट पहन लेगा, उसके साथ ब्रेसलेट पहन लेगा, और भी जितनी चीजें उसको दिखती जाएगी इंस्टाग्राम पर, मिंत्रा पर, फैशन पर, किसी भी साइट पर, वो सारे खरीद के सारी पहने लग जाएगा, जिससे वो बन जाता है छपरी या फिर टिकटॉकर। और ये वाली मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी है। ये वाली मैं मिस्टेक ऑलरेडी बहुत कर चुका हूँ, तो ये वाली मिस्टेक आप मत करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीप लगती है। तो हमेशा मेक श्योर कि यार एक से दो ही एसेसरीज आप कैरी करो, दो से ज्यादा एसेसरीज हमेशा अनएक्सेप्टेबल है और हमेशा ही बहुत ज्यादा वाहियात लगती है। तो ये कभी भी जिंदगी में गलती मत करना मेरे भाई। अब जो फोर्थ मिस्टेक है वो है सस्ते कपड़े पहनना। जब मैं कॉलेज में था तो बेसिकली हमारे दिल्ली में एक मार्केट होती है जिसको हम बोलते हैं मोनेस्ट्री, आराम से यार, जो कि आपके कश्मीरी गेट पे भी है, रोहिणी में भी थी उस टाइम पर। तो हम वहां पर जाते थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त, और 300 रुपए की शर्ट, 400 रुपए की शर्ट, 500-500 रुपए की जीन्स, 300-300 रुपए के शूज, जितना सस्ती की चीजें मिलती थी उतनी लेके आते थे। लेकिन उस टाइम पर एक चीज था कि हमको पता नहीं था फैशन का, तो जिसकी वजह से हमारी शर्टों पर ज़ारा लिखा है, टी शर्टों पर गूची लिखा है, तो वो चीज आपको नहीं करनी है।
मेरे पास आज भी बहुत सारी ऐसी टी शर्ट्स हैं जो कि अराउंड 500-600 की हैं, जीन्स भी हैं जो कि 1100-1200 की हैं, बट वो नकली होने के बावजूद भी नकली नहीं लगती हैं। रीजन बीइंग उस पर कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लिखा है, किसी टाइप का पैटर्न नहीं बना हुआ जिससे ये पता चल जाए कि वो सस्ती है या फिर नकली है। तो ये गलती कभी मत करना, आप सस्ता पहन सकते हो लेकिन मेक श्योर कि वो जो सस्ती चीज़ है वो उस पर कोई ब्रांड ना लिखा हो या उस पर कोई नकली कुछ पैटर्न ना बना हो जिससे साफ दिखाई देता है कि वो एक नकली चीज़ है। अब ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप गुच्ची के कपड़े नहीं पहन सकते, मैं भी नहीं पहन सकता, लाख लाख रुपए की उसकी टी शर्टें आती हैं अरमानी की, तो वो चीज़ जब हम नहीं पहन सकते तो ऑब्वियस सी बात है वो नकली है। तो इसीलिए ऐसे ब्रांड्स या फिर ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं आपको जो कि साफ दिखाए कि ये नकली है।